मेरा नाम इरफान अहमद है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं एक मिक्स मार्शल आर्ट्स का फ़ाइटर हूँ। मैं 16 साल की उम्र में चिन्योट से लाहौर आया था अपने मार्शल आर्ट के कैरियर को, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल एक अच्छा ट्रेनर ढूंढना थी। मेरी मुलाकात वकार उमर और बशीर अहमद से हुई, उनकी मदद से मैंने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करते हुए मुझे दूसरी मुश्किलात का भी सामना था, क्योंकि पहले शुरू में फैमिली सपोर्ट नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे क्लासेस वगैरह मैं बेसिकली पर्सनल सेशंस करवा के मैंने अपने मार्शल आर्ट कैरियर पर इन्वेस्ट किया। मैं जब चिन्योट से लाहौर आया था तो मैं आईकॉम के सेकेंड ईयर में था। मेरी स्टडीज़ को एक पॉज मिल गया कुछ टाइम के लिए, फिर मैं लाहौर में अपनी स्टडीज़ दोबारा जारी रखी और अपनी आईकॉम कंप्लीट की और अभी मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। कुछ टाइम के बाद मेरा एक लेवल बन गया जिसमें मेरे कोचेज़ ने समझा कि मैं रिंग में या केज में जाके फ़ाइट कर सकता हूँ, तो उन्होंने मेरी फ़ाइट्स करवाई। मैं 6 फाइट्स में पाकिस्तान में अनडिफीटेड रहा। मुझे 2017 में एमेच्योर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो मैं वहाँ पर जाके फ़ाइट की और मैं डिसीजन से फ़ाइट हार गया। फिर भी एक उम्मीद थी, मैं खेलना चाह रहा था। सेकेंड टाइम मैंने अपनी लक आजमाई, उसमें भी मैं डिसीजन से फ़ाइट हार गया। और उसके बाद मुझे फिर से एक चांस मिला प्रोफेशनल डेब्यूट करने का, तो तीसरी दफ़ा मुझे पता था अभी डू और डाई वाला काम है और इस फ़ाइट को किसी भी सूरत में जीतना है। तो मैंने मेहनत की और खुदा ताला ने मुझे अल्लाह के फजल से मैं अपनी वो फ़ाइट 90 सेकेंड में सबमिशन से एक नेपाली किक बॉक्सिंग चैम्पियन से जीत गया। मेरा मैसेज उन सब के लिए जो जिनका एक ड्रीम है, जो उसको पूरा करना चाहते हैं, ये है कि आप किसी मैदान में उतरते हो अपना शौक़ पूरा करने के लिए, तो आप लाजमी नहीं है कि आप हमेशा जीतते जाओ। आप 1000 दफ़ा गिरोगे तो आप 1000 दफ़ा खड़े होकर अपने शौक़ के लिए अगर आगे बढ़ोगे तो आपको एक चांस और एक उम्मीद नज़र आएगी। Kate Fisher, Indus News, Washington.